बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी वीडियोस के अंत तक देखा करें, स्किप मत किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ, और मेरा चैनल शाहीन को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कबाब पुलाव। कबाब पुलाव बनाने के लिए हमें किन अज़ा की ज़रूरत होगी वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को भी पार्ट स्किप मत करें। सबसे पहले मैंने चावल लिए हैं, चावल मैंने 2 किलो लिए हैं। इन चावलों को मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया है। प्याज 3 अदद, टमाटर 2 अदद। प्याज को मैंने लंबी स्लाइस में काटा है। धनिया पाउडर 1 खाने के चम्मच, बम्बई बिरयानी मसाला 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने के चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच। सबसे पहले मैंने चावलों को बॉईल कर लिया है। अब मैंने 1 कप ऑयल डाला है, या ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं प्याज शामिल करूंगी और अब मैं प्याज को फ्राई करूंगी। जब प्याज फ्राई हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब मैं टमाटर शामिल करूंगी। अब मैं धनिया पाउडर शामिल करूंगी, यह है धनिया पाउडर। अच्छी तरह मिक्स कर अब मैं नमक शामिल करूंगी, यह है नमक। अब मैं बम्बई बिरयानी मसाला पानी में घोल कर शामिल करूंगी। मसाला भून चुका है, अब मैं चावल शामिल करूंगी। अब मैंने चावल शामिल कर दिए हैं और अब मैं इसे दम पे रखूंगी। चावलों का दम आ चुका है, आप देख सकते हैं हमारे चावल तैयार हो गए हैं, किस तरह खिले खिले हुए हैं। ये देखें किस तरह खिले खिले हुए चावल हैं। अब मैं इसे प्लेट में सर्व करूंगी। माशाल्लाह से हमारा कबाब पुलाव तैयार हो गया है। चावलों के ऊपर मैंने कबाब सजा दिए थे। अगर आप चाहते हैं कि आप कबाब की रेसिपी भी देखें तो इसी चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। कबाब बनाने की पूरी तरकीब मैंने बता दी है। वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और आखिर में जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखें। चावलों को रायते के साथ सर्व करें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।